हमारी पूरी दुनिया यानी कि अर्थ बहुत ही ब्यूटीफुल और इंटरेस्टिंग एनिमल्स से भरी हुई है। जब हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं तो हमें कुछ ऐसे जानवर देखने को मिलते हैं जो हमने शायद पहले कभी नहीं देखे होंगे, और इन्हें देखकर हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ऊपर वाले ने बड़ी फुर्सत से इस दुनिया को बनाया होगा। लेकिन इन ब्यूटीफुल एनिमल्स के अलावा हमें कुछ मिस्टीरियस और स्कैरी एनिमल देखने को भी मिलते हैं। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ मिस्टीरियस और स्कैरी एनिमल के बारे में जानेंगे। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टर प्रोफाइल, इस चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। म्यांमार स्नबनोज मंकी। मंकी की इस रेयर स्पीशीज को 2010 में साइंटिस्ट द्वारा डिस्कवर किया गया, लेकिन बर्मा के हंटर्स इस जानवर को काफी पहले से जानते थे। पहली नजर में शायद ही आपको ब्यूटीफुल और चार्मिंग लगे और इसके बड़े फर आपको आकर्षक लग सकते हैं, लेकिन अगर आपका सामना कभी इस मंकी से हो जाए तो आप सच में घबरा कर भागना चाहोगे। इसकी जो स्ट्रेंज नोस्ट्रिल्स है वो इस मंकी को डेविल वाला लुक देते हैं, जो कि एक्सट्रीमली स्कैरी है। इसके अलावा जब आप इसे गौर से देखोगे तो हो सकता है कि आप चौंक जाओ, क्योंकि इस मंकी के लिप्स इतने बड़े और फुलर होते हैं कि ये प्रियंका चोपड़ा और जैकलिन फर्नांडिस को भी पीछे छोड़ दे। हमें तो डर है कि इस वीडियो को देखने के बाद लिपस्टिक ब्रांड्स इस मंकी को अपना ब्रांड एम्बेसडर ना बना ले। सीरियल लीफ बीटल। हम में से काफी लोग और खास करके लेडीज कॉकरोचेस और बीटल जैसे इंसेक्ट से काफी डरती हैं। ये कहा जा सकता है कि सीरियल लीफ बीटल दुनिया के सबसे अननोइंग और वियर्ड इंसेक्ट्स में से एक है। ये कॉमनली यूरोप और एशिया में पाया जाता है। इस कीड़े का अपना खुद का आकार इसको स्कैरी बनाता है। जरा इसके ब्लैक हेड और सिक्स लेग्स को तो देखो। लेकिन इस बीटल के बारे में बात करने लायक सिर्फ इतना ही नहीं, सीरियल लीफ बीटल का जो लार्वा होता है उसकी बॉडी में टेट्राशियस जूलियस नामक एक फ्लाई अपने अंडे देती है, जो कि इस बीटल लार्वा को और भी स्कैरी इमेज देती है। जरा इमेजिन तो कीजिए, ये लार्वा खुद इतना वियर्ड है और इसकी बॉडी में दूसरे इंसेक्ट्स के बच्चे पल रहे हैं, यानी कि ये बिल्कुल एक वॉकिंग इनक्यूबेटर लगेगा। ट्यूब नोज फ्रूट बैट। दोस्तों, जब से कोरोना वायरस यानी कि COVID-19 स्टार्ट हुआ है और जब से वो बैट सूप पीकर चाइनीज में कोरोना स्टार्ट होने का रूमर सामने आया है, तब से लोग बैट से वैसे ही डरे हुए हैं। और बचपन से हमने बैट्स को वैम्पायर से कनेक्ट किया है। अगर रात में अकेले किसी को चमगादड़ दिख जाए तो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग आदमी भी डर सकता है। आप सोच रहे होंगे ये सब तो कॉमन बातें हैं और आमतौर पर सबको पता है, लेकिन एक बात जो शायद आप लोगों को नहीं पता होगी वो है चमगादड़ों की एक रेयर स्पीशीज। रिसेंटली साइंटिस्ट ने ट्यूब नोज फ्रूट बैट नामक एक स्पीशीज को डिस्कवर किया है, जो कि आम चमगादड़ों से काफी डरावनी है। हालांकि ये ह्यूमंस के लिए नॉन डेंजरस है और ये स्पीशीज अपने एक्सटिंक्शन पर पहुंच चुकी है और साइंटिस्ट अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि इसे सेव किया जा सके। ये नॉन डेंजरस होने के बावजूद हमें डराने के लिए काफी है। गोल्डन ऑफ स्पाइडर। मकड़ी यानी कि स्पाइडर की अलग अलग प्रजातियां होती है, कुछ छोटी कुछ बड़ी, कुछ वेनमस कुछ नॉन वेनमस। लेकिन इस लिस्ट में जो स्पाइडर की बात की जा रही है वो आपको एक मिनी हार्ट अटैक देने के लिए काफी है। जी हाँ दोस्तों, गोल्डन ऑफ स्पाइडर मकड़ियों की एक ऐसी प्रजाति है जिसे देखकर कोई भी इंसान डर जाए। इसका बड़ा आकार और लेग्स इसे स्कैरी बनाते हैं। ये इतनी बड़ी होती है कि छोटी छोटी बर्ड्स और एक हाफ मीटर के स्नेक्स को अपना शिकार बना सकती है। लकीली ये ह्यूमंस के लिए बड़ा खतरा नहीं, क्योंकि ये वेनमस नहीं होती, लेकिन फिर भी आपको एक छोटा शॉक देने के लिए काफी है। गोब्लिन शार्क। शार्क एक ऐसा एनिमल है जिसे डरना जरूरी है। मुझे याद है बचपन में जब हम जॉज, डीप ब्लू सी जैसी मूवीज देखते थे तो वो लंबे दांतों वाली शार्क्स देखकर हमें गूजबम जरूर आ जाते थे। शायद आप भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैं सोचता था कि समुद्र में इससे बुरा क्या हो सकता है, लेकिन जब मैंने गोब्लिन शार्क को देखा तो मेरे होश उड़ गए। गोब्लिन शार्क डरावनी होने के साथ साथ बड़ी अजीब और वियर्ड भी है। ये शार्क्स नॉर्मली नहीं देखी जाती, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डीप ओशन में पाई जाती है। इसकी शक्ल देखकर शायद नॉर्मल शार्क्स भी डर जाए। आप यूं समझ लो कि ये शार्क्स की दुनिया की भूत अंकल है। टेलर्स विप स्पाइडर। हमारी लिस्ट में जो अगला नाम आता है वो है एक स्पाइडर, नहीं एक स्कॉर्पियन या फिर शायद एक क्रैब। आप सोचेंगे मैं ये क्या बोल रहा हूँ। दरअसल टेलर्स विप स्पाइडर मकड़ियों की एक ऐसी प्रजाति है जिसको देखकर कोई भी कंफ्यूज हो सकता है। एक अगली स्पाइडर, एक स्कैरी स्कॉर्पियन और एक वियर्ड क्रैब, ये तीनों का लुक हमें एक ही क्रीचर में देखने को मिल जाता है। इसका इतना वियर्ड लुक इसे हमारी लिस्ट के लिए परफेक्ट बनाता है। क्या आप भी किसी ऐसे जानवर या इंसेक्ट को जानते हैं जिसके अंदर एक से ज्यादा जानवरों की झलक है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको अब तक ये वीडियो स्कैरी या वियर्ड लगी है तो शायद आप गलत हो। इस लिस्ट में जो अगला एनिमल है अगर आप उसको देख लो तो शायद आपको पिछले सारे एनिमल्स क्यूट लगने लगे। इस एनिमल का नाम है आई आई।
मेडागास्कर में पाए जाने वाला ये अजीबोगरीब नाम वाला जानवर बॉलीवुड की किसी मूवी के भूतों से कम नहीं। हालांकि ये एनिमल इंसानों के लिए कुछ खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी इसका जो लुक है, इसी की वजह से मेडागास्कर के लोग इसे बैड लक का सिंबल मानते हैं और वहाँ के लोकल्स इस एनिमल को देखते ही उसे जान से मार देते हैं। उन लोगों का कहना है कि इसके बैड लक को खत्म करने के लिए यही एक तरीका है। इस जानवर के प्रति वहाँ के लोगों की सोच के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में बताए गए एनिमल्स आपको कितने स्कैरी या वियर्ड लगे, या फिर आप किसी ऐसे जानवर को जानते हैं जो ऐसा ही स्कैरी हो, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।